हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी टिप्स है जिससे कि आपके सारे काम बहुत जल्दी निपट जाएंगे, चुटकियों में निपट जाएंगे, क्योंकि हमको सही। तो इसके लिए मैंने एक रेमेडी बताई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक। तरीका नहीं होता है पता काम करने का, इसके लिए वो काम करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये देख लीजिए, कभी आप लोगों ने इस तरीके से प्याज को गैस पे रखा है, ऊपर से चाय पत्ती डाली है? नहीं डाली तो फटाफट से डाल लीजिए, आपके घंटों के काम मिनटों में निपट जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी पहली किचन टिप्स की ओर। तो पहली हमारी किचन टिप्स है चाय को लेकर। चाय तो हर किसी को पसंद होती है, चाय के बिना बहुत लोगों की सुबह नहीं होती है। तो चाय बनाने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर चाय में आप एक छोटी सी चीज़ डाल दोगे ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो मतलब आप छोटा सा टुकड़ा दालचीनी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कभी कभी जब हम खाना बनाते हैं कुकर में दाल चावल या फिर कोई चीज़ उबालते हैं तो ढक्कन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि ढक्कन में पानी निकल जाता है, इसलिए वो पूरा ढक्कन गंदा हो जाता है। तो हमको लेना है सिल्वर फॉइल और इस तरीके से गोल गोल कट करना है। यहाँ से लेके पहले मैंने नाप लिया था, तो यहाँ से लेके मैं सिल्वर फॉइल को गोल गोल कट कर लेती हूँ, बीच में भी थोड़ा सा कट कर लेना है इतना सा, ठीक है। और अब हम इस सिल्वर फॉइल को ढक्कन के ऊपर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगा ढक्कन, जितना भी पानी आने गिरेगा वो सब ढक्कन के ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि हमने सिल्वर फॉइल लगाया है इसलिए। तो मैं हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ, जब ये गंदा हो जाता है ना सिल्वर फॉइल तो इसको निकाल के फेंक देती हूँ। वैसे भी हम कुकर को रोज़ रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं नहीं, जब करते हैं तब मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, तो ढक्कन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो बहुत ख़ास है। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स भी है ढक्कन को ही लेकर, क्योंकि कुकर के ढक्कन में जो साइड में जो गंदगी फंस जाती है वो बहुत मुश्किल से निकलती है। चाहे हम इन्हें कितनी भी बार अच्छे से धो लें लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं होने का नाम लेता। तो हम इसमें यूज़ करेंगे जो हमारे पुराने जो मेडिसिन के जो खाली पत्ते होते हैं, या फिर कहो जो एक्सपायर मेडिसिन हो जाती है, उसको यूज़ करके इस तरीके से इसके जो साइड होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ पर चूना नहीं जा पाता है, उससे हम इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और यही क्यों, गैस जो होती है, गैस भी बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे जूना से क्लियर नहीं हो सकती है गैस, तो उसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे क्लीन करेंगे इस खाली पत्ते से। तो चलिए देखो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट टिप्स कि मेरे बाल इतने लंबे लंबे कैसे हैं। और मैंने भी एक होम रेमेडीज जो बनाती हूँ वो मैं बना के लगाती हूँ अपने बालों में, तो बताती हूँ मेरे बाल कितने लंबे लंबे हैं और कितने बड़े बड़े हैं। आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, सच बता रही हूँ। आज ही मैंने वो लगा के रेमेडी लगा के बाल धोए थे, तो ये देख लीजिए मेरे बाल। देखो इंसान जब तक देखता नहीं है तब तक वो इंसान कोई भी हो, जब तक देखता नहीं है तब तक विश्वास नहीं करता। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आज ही बाल धोए हैं। ये देख लीजिए मेरे बाल कितने लंबे हैं और कितने काले, ये देख लीजिए। तो इसके लिए मैंने एक रेमेडी बताई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, और हमको चाहिए एक प्याज, छोटा सा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो प्याज के छिलके विलके सब चलेंगे, तो प्याज के छिलके भी हम ले लेंगे। और इसको लेकिन काटना है जिससे कि इसके अंदर जो भी जूस होता है वो बाहर आसानी से निकल सके। तो चलिए इसको हम पतले पतले स्लाइस करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे और एक कटोरी में काट के रख लेंगे इसको इस तरीके से। और कट जाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो ज़्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे करीबन एक चम्मच चाय की पत्ती, ठीक है। एक चम्मच चाय की पत्ती हम डालेंगे और इसको हम रख देंगे उबलने के लिए। और ये हम डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा,
क्योंकि कहते हैं कि दालचीनी भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, फ़ायदेमंद रहती है। और प्याज तो वैसे ही फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि प्याज का तेल लगाने से बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और प्याज का तेल तो ठीक है, लेकिन ये तेल नहीं है, हम तेल नहीं बना रहे हैं, इसको लगा कर छोड़ देना है, जैसे कि हम मेहंदी लगा के छोड़ देते हैं 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर आप अपने बाल धो सकते हो। तो इससे काफ़ी लंबे बाल होंगे, बहुत जल्दी बालों में ग्रोथ होगी और बहुत आपके बाल एकदम काले हो जाएंगे और एकदम शाइनिंग मारने लगेंगे आपके बाल। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी ठंडा हो गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं, छान लेते हैं इस तरीके से, इस कटोरी में छान लेते हैं। तो प्याज की हमको ज़रूरत नहीं है, प्याज आप फेंक दीजिए। तो इसको इस तरीके से छान लेंगे और जो इसमें से जो रस निकला है ना, इसका यूज़ करेंगे हम बालों को लगाने के लिए। तो किस तरीके से लगाना है, आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा सकते हो। मैं इस तरीके से कॉटन से लगाती हूँ, इस तरीके से लेके, और जो बालों की जड़ होती है ना, बालों की जो सर के साइड जो जड़ होती है ना, वही लगाना है इस तरीके से। बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालों का खेल सब जड़ों से होता है। अगर जड़ें अच्छी रहेंगी तो ही आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ अच्छी रहेंगी तो ही आपके बाल फटाफट बढ़ेंगे। तो आप जड़ में लगा सकते हो, इस तरीके से लगा लेना। तो चलिए, अच्छी लगे वो टिप्स तो ज़रूर लाइक करना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की ओर फ्रेंड। तो ये देख लीजिए क्या होता है, जब कभी हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो हमारा चकला और बेलन इतने, तो आटा चकले और बेलन से इतना ज़्यादा चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जिस दिन मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, सच बता रही हूँ, उस दिन हमारा चकला और बेलन बहुत ही ज़्यादा, और चिपकने भी लगते हैं पराठे बेलते समय, बिल्कुल भी अच्छे से बनते नहीं है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके से, ये मैंने आटा लगा लिया है इस पर, फिर भी ये चकला और बेलन से चिपकने लगता है, पराठा सही नहीं बनता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें सूखा आटा लगाया है जिससे कि ये अच्छे से बन जाए, लेकिन फिर भी ये बेलन से चिपकने ही लगता है। तो हमको क्या काम करना, आप लोग को एक बात बताती हूँ कि हमको लेना है खाने वाला तेल, जो भी आप खाते हो रिफाइंड तेल घी, उसको ले लेना है और इस तरीके से बेलन पे लगा देना है, और इसी तरीके से चकले पर भी लगा देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने पूरे पराठे बन चुके थे, मेरा चकला बेलन बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ था, क्योंकि इसमें आटा चिपका ही नहीं था, और पराठे भी बहुत ईजिली बना रही थी मैं, और बहुत ईजिली ये बन भी रहे थे, बिल्कुल भी चिपका चुपकी नहीं हो रही थी आटे की, तो मुझे बहुत जल्दी बनाने में आसानी हुई। तो आप लोगों को कैसी लगी टिप्स हमारी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।